मेरे परिवारजनों, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के धान किसानों को भी हमेशा धोखा दिया है, उनसे झूठ बोला है। यहां के धान किसानों का दाना दाना याद रखोगे? मैं बहुत जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, याद रखोगे? यहां के धान किसानों का दाना दाना केंद्र की भाजपा सरकार खरीदती है, मोदी सरकार खरीदती है। छत्तीसगढ़ के किसानों का धान खरीदकर केंद्र सरकार ने 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए। कितने? फिर से बोलिए कितने? फिर से बोलिए कितने? घर घर जाके बताओगे? किसानों को बताओगे? यहां के धान किसानों को पैसे केंद्र की भाजपा सरकार देती है और दावे यहां कांग्रेस सरकार करती है। अब आपको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? जोरों से बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? बार बार बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? सच्चाई लोगों को पहुंचानी चाहिए कि नहीं पहुंचानी चाहिए? उनको बेनकाब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करोगे? ढीला मत बोलो, करोगे? करोगे? आप करोगे? वो पीछे हैं वो करेंगे, उधर वाले करेंगे, और ये वाले करेंगे? ये वाले करेंगे क्या? चलिए ये भी करेंगे। मैं फिर आपको विश्वास दिलाता हूं, भाजपा धान किसानों के प्रति समर्पित है, और इसलिए यहां जब भाजपा सरकार बनेगी तो धान किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा और पाई पाई किसान के पास पहुंचेगी। साथियों, मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि का इंतजाम ऐसा किया है कि सीधे पैसा किसान के बैंक अकाउंट में पहुंचता है, बीच में कोई बिचौलिया ही नहीं है, कोई कटकी कंपनी नहीं है। वरना कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसा पहुंचता है। अगर मेरे समय भी ऐसा हुआ होता तो आपको भला होता क्या? ये मोदी 1 रुपया भेजता है तो 100 के 100 पैसे पहुंच जाते हैं। भाइयों, कोई पंजा इस रुपये को घिस नहीं सकता है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत छत्तीसगढ़ के हर लाभार्थी किसान के खाते में 28,000 रुपये तक पहुंचे हैं। हम आपकी हर जरूरत का ध्यान रख रहे हैं। केंद्र की भाजपा सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि मुश्किल से मुश्किल समय में भी देश में खाद की कमी ना हो। आप भी जानते हैं कि दुनिया में ये कोरोना, ये लड़ाई, इसके कारण खाद की कीमत बहुत बढ़ गई है। पिछले 100 साल में इतनी कीमत नहीं रही, इतनी कीमत बढ़ गई है। यूरिया की एक बोरी दुनिया में करीब करीब 3,000 रुपये तक बिकती है। कितने? कितने? जरा जोर से बोलो ना, कितने में बिकती है? याद रखोगे? और भारत में, भारत के किसानों को ये बोरी 300 रुपये में भी कम मिलती है। भाइयों, 300 रुपये से कम कितने रुपये में मिलती है? कितने रुपये मिलती है?
दुनिया में कितने में मिलती है, दुनिया में कितने में मिलती है? कहां 3000 और कहां मेरे किसान को 300 रुपये में हम यूरिया की बोरी देते हैं भाइयों। और इसके लिए भारत सरकार की तिजोरी में से केंद्र सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है ताकि किसान पर बोझ न बने।